अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। और अब तक जो है, जब तक मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी, सबकी कुर्बानी हो चुकी होगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कुर्बानी में क्या किया कमेंट सेक्शन में। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है यार। बस एक मेरे साथ वो हो गया, पंगा हो गया मेरे साथ। हमेशा इस तरह से होता है, मतलब आई गेस मेरे साथ ही इस तरह से होता है कि मेरे ईद का ड्रेस मुझे नहीं मिला। मैंने ना स्पेयर में दो मंगवाए थे, ठीक है, ताकि एक से ना दूसरे से आ जाए तो दोनों के ही थोड़े पंगे हो गए। एक का जो है कुरियर डिले हो गया और दूसरा जो है मुझे ड्रेस नहीं मिल सका। पर थैंक गॉड कुछ और था जो मैंने मंगवाया था, तो वो मुझे मिल चुका है। आज तो मैं वही पहनूंगी, चलो ईद का ना से वो तो पहनूंगी। वैसे मेरा मूड बड़ा ख़राब था, मैं तो रेडी भी नहीं होने वाली थी, पर मैंने सोचा यार चलो भला कर लेते, ईद का दिन है तो मूड ख़राब नहीं करना चाहिए, तो बस वही पहनूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। चलिए जी, तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने ईद का ड्रेस, वो जो स्पेयर वाला था मेरा। चलिए मैं आप लोग को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। तो जी ये है मेरा ड्रेस, मैं ये पहनने वाली हूँ, और इस पर जो ज्वेलरी वो अफगानी पहनूंगी। एंड दिस इज मैसेज टू द ब्रांड्स, प्लीज़ आप जो है टाइम पे भिजवा दिया करें, पहले भिजवा दिया करें, हमारी ईद इस तरह से रुइन ना किया करें यार। ये देखिए मेरी ज्वेलरी का, इस पर जो है मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ये पहनूँ या तो ये वाली वडी से, हमने कौन सी अच्छी लग रही है? दोनों अच्छी लग रही हैं, आप बताओ आप क्या तोड़ा आपने? आप मुझे कैसे बोलती, डांटती? इसको भी डांटूंगी, तोड़ी मेरी फेवरेट थी ईद के दिन, ईद है आज, इसीलिए हमने कुछ नहीं कह रही, इसको कल डांटूंगी। सही है, मैं कल याद दिलाऊंगी। तो चले गाइस, अब होते हम रेडी फटाफट से। मैंने अपने बाल ड्राई कर लिए हैं। हम कौन? हम मैं और मेरी बहने, मैं और मेरे साथ भी मैं हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। ओके, हमने हो गया आपका। चलो अब होते रेडी गाइस, लेंस पहनूंगी मैं, ये सभी हमने निकाली, पहन ले लूँगी। सबसे पहले लेंस पहनेंगे, आप भी लेंस पहनेंगे? यस, आप तो मेरी तरह सिंपल तैयार हो यार। सिंपल होने वाली थी, पर आज ईद है, आई वांट कि मैं बहुत प्यारी लगूं और ताकि मेरी पिक्चर्स अच्छी है। और उसके बाद हमें जाना है जिया वालों के घर। और आमना आप ज्यादा बोले मत फैलाए, हम हो रहे हैं रेडी। नींद आ रही, ईद के दिन इसका अशर लगे। हमने अपनी मेहंदी दिखाओ, बड़ा प्यारा कलर आया है गाइस, मेरा भी देखिए। और ये जो है ना नजफ ने लगाई भी बहुत प्यारी थी। सो मतलब होते रेडी फटाफट वाला रेडी। मैंने लेंस पहन लिए फाइनली, और इन दोनों सभी ना की स्ट्रगल स्टिल हो रही है। पहन लिया है किसने? और मैंने अपने दोनों, मतलब कुछ भी नहीं किया। सभी ना सूरज चाचू भाग जाएगा, जल्दी रेडी हो जाओ। ओके, ये क्या है, ये क्या दिखा रहा चाचू? तो गाइस जो है मेरा मेकअप डन हो चुका है, एंड बाकी जो है बस ज्वेलरी वगैरह पहनी वो फाइनल करूं। मुझे ये अच्छी लग रही है, पहन के दिखाती हूं। एंड सभी ने आप कौन सी पहन रही हैं? और सभी ने भी रेडी है, बस ये बाकी फाइनल हो जाए। और ये लोग अभी स्टिल हो रही हैं। तो गाइस ये देखिए मैं फुल हो चुकी हूँ रेडी, एंड इस पर जो है मैंने ये नेकलेस कैरी किया ताकि जो ईद के हिसाब से थोड़ा हैवी लगे पिक्चर्स वगैरह लेके, फिर जो है सिंपल सिंपल हो जाऊंगी। अभी हम जाएंगे जिया वालों के घर, पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं ली मैंने, क्योंकि आमना है, नामना इतनी सुस्त है और मुझे भी उसने सुस्ती फैला दी थी, तो बैठी रही। अभी देखें सूरज चाचू भाग गया, सात हो रहे हैं, और इस तरह से गुजर रही है हमारी ईद। पीछे से लगी हुई है सबीना, दिस इज द फुल आउटफिट डिटेल्स, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, गर्मी में ये ड्रेस जो है बेस्ट है, बेस्ट है। इसके हिसाब से ये स्पेशल भी लग रहा है। आप लोग ज़्यादा बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। सबीना आप इधर से हो जाएं। किधर से आऊं? उधर से। ये देखिए सबीना का और मेरा सेम है, ट्विनी ट्विनी। तो जी ये रही ईद की पिक्चर, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और अब जो है मैं सबकी ईद ही निकाल लेती हूँ जिया वालों की, क्योंकि उनके घर जा रहे हैं। ये थोड़ा चेंज है, ये मैं अलग कर लेती हूँ, और बाकी ये उनकी ईद ही जो है पर्स में रख लेती ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और ये भी हो चुके रेडी, अब नीचे चल चुके हैं, बस चलते हैं। चलो चलो चलो, देखना मुबारक। तो जिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। कुछ ईदी हो जाए, मिलेगी मिलेगी आप लोगों को इस बार ईद मुबारक।
इस बार मैं आप लोगों को ही दे दूंगी। ओके मासूमा, ईद मुबारक। आपकी परूथी हो गई, तैयार नहीं हुई? मैं सुबह 11 बजे उठी हूँ, उसके बाद मैं तैयार होकर फिर मैं सो गई थी, बोर हो रही थी, आपका इंतजार कर रही थी, हो गई। फिर भी आप प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। तो गाइस बताएं आप लोग को चाहिए, कोई सुन ही नहीं रहा, चलो नहीं 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 चाहिए चाहिए कोई सुन ही नहीं रहा था, नो रिस्पॉन्स। चलो ये बात होंगे, सबसे पहले बड़ी जिया और फिर इसके बाद रुके अभी मत देखें, उसके बाद ये मासूमा, थैंक यू। और ये इनकी मैंने अलग से रखी, चलो अभी इनके अकाउंट में आ जाएगी, अभी अकाउंट में। क्या तुम मुझे 1 लाख मांग रही हो क्या? अकाउंट अकाउंट में 10 रुपए सेंड कर देना, पर नहीं होते शायद। तुमने दी तो फैमिली तो मेरी है ना? नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली नहीं। बोलो मेरी बहन, चलो ये लो आमना, ये ले सबीना, देख लो ये देखे, और मैंने आप लोगों के लिए ये स्पेशल बनवाए हैं, बहुत प्यारे हैं। यू आर वेलकम। और रचना आपका हमने वापस करो, वैसे भी तुम खुश नहीं हो। अकाउंट में ट्रांसफर करूं वाला फिर लो गरीब। नहीं चाहिए उसके मौत के अकाउंट में सेंड करो। आप सब लोग गवाह हैं, ये ईदी नहीं ले रही। ओके आप सब लोग गवाह हैं, इसको आखिरत में आ जाए, आप मुझे दे दें। हाँ इसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बस रचना की तरफ से नहीं, मैं हन्नूड़ी को दूंगी अपने। बस गई हमारी चाय, तेनू नहीं आप लोग ईद पे भी हमारे साथ ऐसे कर रही हो? ज्यादा मिलना चाहिए, देखा तो बाद में बताएंगे। ऐसे आप क्या देख रही है बताओ। और अमना आप और प्रिया जी बोले बोले बोले, आप ब्लॉगर हो, आपको आइडिया होना चाहिए ना, हम ही आइडिया देते रहते हैं इसको, ऐसे बस भरो, ऐसे भरो। हो गया हो गया, चलो यस। और ये हमारी ठंडी नहीं है इसीलिए हमने अलग से बर्फ लाए। हम अब क्या करेंगी? सब ये करेंगे, चलो। और सबीना जी आप क्या ढूंढ रही हैं? सबीना ये मेरे न्यू थे यार, आपने घुमा दिए, हद है यार हद। बस तुम्हें खामखा परेशान कर दिया इसने। हाँ इतनी काफी है, कितनी इतनी काफी। और ये मेरी बात बता, ये क्या करेगी? मतलब जानबूझ ये क्या तुम हमारे नहीं जिया, ये क्या दुश्मनी आपके में? दुश्मनी नहीं है बेचारी, वो एक तो ठंडी ठंडी दे रही है ना, ठंडी ठंडी नहीं, मैं अपनी में देखो, ये मेरा गिलास, मैंने देखो इसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक, मतलब चलो कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट यू जी। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड, यस। ड्रिंक मतलब वो खुद ड्रिंक है। ओके हम समझ गए। और परेशान मतलब सबीना परेशान है, ब्यूटीफुल मतलब रीमा, ओके ब्यूटीफुल मतलब सबीना। और आपने क्या बोला था? ब्लॉगर मतलब रीमा, ये आपका डायलॉग। चलो ब्यूटीफुल मतलब सबीना, दिखाओ भाई इसको भी दिखा ही दो। ये लो ये ब्यूटीफुल है, रीमा और गॉर्जियस, ये ब्यूटी है वो फुल है। चालाक मतलब जिया, नो कहां से चालाक है वो, ऐसे डायलॉग करो मुझे। और मतलब चुप करें, अरे मुझे जेन में आ रहा है कुछ, रुको 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 रुको। और वात मतलब मत मार,
मजाक और प्रीति मतलब ये फालतू डायलॉग मत। मनमयल है ये मनमयल, इक्ष में तेरे मनमयल बहुत गंदा है तुम्हारा लोगों का। हां पर ये दे ऊंचा हला ऊंचा ये सब कर मजा वो तो जरा नेटिव हो हम ना जरा टूटा कभी वो दिल वही दिल करी दे यार। अच्छा सॉरी हम वो करने आए हैं, सारे वो करेंगे और इसके बाद जो हम काफी जगह बनाए फिर खाएंगे। जी हम ना नहीं सर मासूमा सुनो इसकी वॉक करके आए हैं हम अभी सारे यहाँ पे थका के बैठे थे। कभी अभी ये देखे सबने पोनी शोनी करवा ली। अभी यमुना की बारी, गर्मी हो रही है यमुना आपको, मैं भी जोड़ा करने वाली हूँ। अभी यमुना हो गई आपकी पोनी, पीछे जाएं देखा ये देखिए इतनी अच्छी। अब मीठा टाइम, एक्चुअली हम इसीलिए वॉक करने गए थे ताकि हम जगह बने। हाँ हम मीठे की ईद की सौगात किसने बनाया? आपने बनाया? तो किसने बनाया? मैंने बनाया। कूड़ी तुम तो हमारे घर में की, किसने बनाया? अच्छा बनाया है तो मैंने बनाया है, बुरा बनाया तो मैंने बनाया। वैसे ये अम्मी आप ही ने बनाया, अम्मी आप ही ने बनाया। आई नो इज इट सो टेस्ट करके पक्का बहुत यम्मी। गाइस ये बहुत यम्मी बनी है, इसीलिए सारे निकाल लो। जो लेट खाएगा वो पछताएगा, उसे थोड़ा मिलेगा। नीचे करो अब बोलो कौन झूठी है। अम्मी आप ही अगर क्या मीठा खाया कस्टर्ड या मीठा ही बोलो आंदा कस्टर्ड बनाना तो ज्यादा बनाना बहुत अच्छा बनाया। सबीना आपको कैसा लगा? ये हमसे बुलवाया जा रहा है। अरे पूछ रही हूँ, बुलवा नहीं रही हूँ। ईद मतलब मीठा पगली है ना। अब मैं हो चुकी परोती परोती एना बम जा रही हूँ। ओके गाइस बाय 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 जिया, चलो बाय बाय। आ गए जी हम घर और आज बड़ी शदीद वाली गर्मी है। किस तरह से गए थे और किस तरह से आए हैं, एकदम शक्ति वाली पता नहीं। अब करते हैं मेकअप रिमूवर, मैंने कोनी शोनी कर ली है ताकि ये बाल बंधे रहे। इन कानों में शदीद वाला दर्द हो गया। आ रही आई शुरू जो एडमिन लगा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। चलिए करते हैं मेकअप रिमूव, जो कहते हैं ना गर्मी में इतना मेकअप, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये विदाउट मेकअप एंड विद मेकअप वाला फेस, क्योंकि आई डू मिनिमल मेकअप। ये देखें ये विद मेकअप है एंड ये विदाउट मेकअप, स्किन लुक्स लाइक सेम। दिस इज क्लियरिंग फाइन क्लींजर जेल, ये जो है कीन ब्यूटी का है। ये क्लींजर बहुत अच्छा है, इससे जो आपकी स्किन डीप क्लीनिंग होती है। अरे भाई जल्दी बोल, सोना भी है। गाइस ये जो आपकी डीप क्लीन स्किन करता है और इसके बाद जो है ना ये आप लोगों की स्किन को हाइड्रेट भी करता है, तो आप अगर इसको यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा आफ्टर मेकअप। ठीक है हमना तो जी ये देखिए मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है एंड ताकि थोड़ी जैसे स्किन मॉइस्चराइज्ड हो जाए। बाकी कोई भी अभी तो कोई भी मैं स्किन केयर नहीं करने वाली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बाकी आज का मेरा दिन जो है बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। आप लोग बताइएगा कि आपने ईद कैसे गुजारी और मज़ा आया कि नहीं, किस तरह से।